वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हां, अब धीरे धीरे अपने इनिशियल मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जैसे कि आपको पता है कि रैंकर्स रिजल्ट के जारी होने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार जो है एक्टिव नजर आ रहा है। तो एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सोमवार को जारी कर सकता है कैलेंडर। जी हाँ, सोमवार को जो है कैलेंडर जारी करने की जो है उम्मीद है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। और उसके अलावा रिजल्ट को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अब अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है स्टेनोग्राफर और परीक्षा का रिजल्ट और उसके अलावा भर्तियों का कैलेंडर सोमवार को जारी कर सकता है। जी हाँ, स्टेनोग्राफर के फाइनल रिजल्ट को लेकर काफी कैंडिडेट्स लगातार जो है आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर आ रही है कि सोमवार को स्टेनोग्राफर का रिजल्ट और उसके अलावा परीक्षा का कैलेंडर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर सकता है। तो आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने बताया कि कैलेंडर और रिजल्ट दोनों ही अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि सोमवार को दोनों की जो है जारी करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि रद्द हुई भर्तियों के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए सिरे से मार्च अप्रैल माह में कराएगा, जिसका पूरा कैलेंडर जो है जारी किया जाएगा। यानी कि यहां पर जो बात हो रही है कैलेंडर को लेकर, आई थिंक काफ़ी कैंडिडेट्स यहां पर अभी भी कंफ्यूजन में है। इससे पहले कल जो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जारी हुआ था जीएस मार्तोलिया जी का, जहां पर उन्होंने कहा कि जैसे कि हमने उस वीडियो में भी आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि जो मार्च में सबसे पहले आपका सचिवालय रक्षक का पेपर होगा, उसके बाद जो अप्रैल में आपका वन दरोगा का होगा, और उसके बाद जो मई में होगा उसका आपका BDO BPDO का होगा। लेकिन ये कैलेंडर, ये तीनों परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो सोमवार को जारी होगा, और जो मेन कैलेंडर है यानी कि जो नए एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी होगा वो आयोग की ओर से मार्च में जारी होगा। तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो है जीएस मार्तोलिया जी ने कहा है। अब ये देखना है कि किस तरह से आयोग इस पर काम करता है। पूरी खबर आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।